टकर, एक्सपीरियंस और हेनरी किसी तरह इस इन्फेक्टेड शिप से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलते ही एक शिप टकर के पैर पर काट लेती है। और कुछ देर बाद टकर देखता है कि उसका पैर भी एक शिप की तरह हो चुका है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ग्रैंट भी इन्फेक्टेड हो चुका है, जो कि एक खरगोश को मारकर खा जाता है। टकर का पैर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था और इतने में सामने से एक शिप का झुंड उनकी तरफ ही आ रहा होता है, जिनसे बचकर भागते भागते वे एक लैब में आ जाते हैं और वे देखते हैं कि कुछ शिप्स को वहाँ मारकर लटकाया गया है, जो कि उसी खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के कारण मरी है। जिसके बाद वहाँ एक साइंटिस्ट आ जाती है, जो कि इस खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, और एंगस भी वहीं मौजूद होता है। वे दोनों उन सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं और हेनरी एंगस से कहता है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, और उन सभी में आपस में बहसबाजी शुरू हो जाती है। और वहाँ खड़ा टकर गुस्से में एंगस पर बंदूक तान देता है, लेकिन डॉक्टर रश उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। ये देख एक्सपीरियंस और हेनरी वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं कि बहुत सी इन्फेक्टेड शिप उन्हीं की तरफ आ रही है, जिनसे बचने के लिए वे एक फेंस के बीच में आ जाते हैं। वहाँ अचानक हेनरी का पैर फिसल जाता है, जिससे वो उस गहरे गड्ढे में गिरने लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस उसे पकड़ लेती है और ऊपर की ओर खींचने लगती है, लेकिन वे दोनों ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जिसके बाद वे देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर तो एक रास्ता बना हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर रश टकर के उस पैर को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था।